हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रॉम एकेडमी। एग्जाम फ्रॉम एकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक रेलवे ग्रुप डी जोन आरआरबी इलाहाबाद 2013 का पेपर ला रहे हैं। ये पेपर 1/5/2013 का हुआ था। अगर आप ग्रुप डी या लोको पायलट किसी भी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस पेपर को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि रेलवे में क्या होता है, क्वेश्चन ज़्यादातर बार बार रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन को यहाँ कवर किया है जो 2013 के पेपर में आए थे इस डेट को, और वो ज़्यादातर रिपीटेबल हमको लग रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी आरआरबी इलाहाबाद का जो पेपर 2013 में हुआ था वो क्या था। पहला क्वेश्चन है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने पे हरा रंग तैयार होता है। उत्तर हो जाएगा नारंगी और बैंगनी, यानी कि नारंगी और बैंगनी रंग को मिश्रित करने पे हरा रंग तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर दो, हाथियों में गज दंत हैं उसे कहते हैं कृंतक। कृंतक हाथियों में गज दंत को कहते हैं। हाइड्रोजन के एक परमाणु का ग्राम भार क्या है। उत्तर हो जाएगा -1.66 × 10⁻²। -1.66 × 10⁻²। हाइड्रोजन के एक परमाणु ग्राम का भार होता है। क्वेश्चन नंबर चार, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा उत्तम गुणवत्ता के कोयला निक्षेप के लिए पश्चिम बंगाल का रानीगंज नामक शहर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीनविच माध्य समय और भारतीय मानक समय के मध्य में अंतर कितना है। उत्तर हो जाएगा 1/2 घंटे, यानी कि 5.5 घंटे। 5.5 घंटे ग्रीनविच और भारतीय मानक समय के बीच अंतर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी। उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल की भाषा क्या थी। उत्तर होगा फारसी। फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं। उत्तर हो जाएगा ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र के लिए भारत के धारीवाल और लुधियाना नामक नगर सुविख्यात हैं। अगला क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित है। पारादीप बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित है। उत्तर हो जाएगा पूर्वी तट पर पारादीप बंदरगाह स्थित है। अगर पूछे पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है। उत्तर हो जाएगा अंडे का उत्पादन। भारत में रजत क्रांति का संबंध अंडे के उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा कापर की खादान के लिए राजस्थान का खेतड़ी शहर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक या आयुर्वेदाचार्य थे। उत्तर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में चरक प्रसिद्ध चिकित्सक या आयुर्वेदाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 13, क्यों। उत्तर हो जाएगा पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज का रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज जैसा ही है। उत्तर हो जाएगा इटली। इटली देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 15, अपने देश यानी कि भारत देश में सबसे बड़ा उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा। उत्तर हो जाएगा रेलवे। जिस चीज़ का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी कि कंपनी है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा विद्रोही संगठन सिद्धू एवं कान्हू से जुड़ा हुआ है? कौन सा विद्रोही संगठन सिद्धू एवं कान्हू से जुड़ा है? उत्तर हो जाएगा संथाल। संथाल विद्रोही संगठन जो है वो सिद्धू और कान्हू से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उस पर कार्य करता है कैसे? जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बल की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, इसीलिए कोई भी वस्तु जब ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे की तरफ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18। MICR में सी का क्या अर्थ है? MICR में सी का क्या अर्थ है? MICR जो जानते होंगे कि अब बैंकिंग क्षेत्र में यूज किया जाता है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका नाम है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, तो सी फॉर करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 19। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर किसके अध्ययन के लिए भेजा गया है? नासा का क्यूरियोसिटी रोवर किसके अध्ययन के लिए भेजा गया है? उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की अध्ययन के लिए नासा का मिशन क्यूरियोसिटी भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 20। एक फायर एंड फारगेट एंटी टैंक मिसाइल है। एक फायर एंड फारगेट एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि दागो और भूल जाओ ऐसी कौन सी मिसाइल है भारत की? उत्तर हो जाएगा नाग। नाग भारत की ऐसी मिसाइल है जो जिसका उद्देश्य है दागो और भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा देश ड्यूरंड लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ? कौन सा देश ड्यूरंड लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ? उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ, ड्यूरंड लाइन है उसके बीच में, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसके कहते हैं ड्यूरंड लाइन। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर हो जाएगा जम्मू व कश्मीर। जम्मू व कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केसर का उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिण से आकर गंगा से जुड़ने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण से आकर गंगा से जुड़ने वाली नदी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 24। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा स्वर्ण या गोल्ड के लिए। स्वर्ण या गोल्ड के लिए आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हम हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। ये हमारे थे सभी 25 क्वेश्चन जो कि RRB ग्रुप डी रेलवे जोन अलाहाबाद से लिए गए थे। ये पेपर 2013 में हुआ था, 1/5/2013 को। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोबारा रिपीट होने की चांस हैं। अगर एक बार बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्ज़ाम फ्रॉम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम फ्रॉम अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब अगला वीडियो लाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये मेरा RRB जोन अलाहाबाद जोन का पहला पेपर था। इसके बाद मैं गोरखपुर जोन, पटना जोन और सिकंदराबाद जोन, सभी जोन का पेपर लाने वाला हूँ। आप अगर ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं तो सभी जोनों के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं से रिपीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।